बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जिन्होंने दिवंगत अभिनेता देवानंद के साथ कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने देवानंद से जुड़ा अपना एक शर्मिंदगी भरा अनुभव बताया है। हेमा मालिनी ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के वक्त उन्हें काफी देर तक देवानंद की गोंद में बैठना पड़ा था। इस बात का खुलासा हेमा मालिनी ने हाल ही में देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी से जुड़े एक इवेंट में साझा किया है। हेमा मालिनी ने जॉनी मेरा नाम फिल्म के सॉन्ग ओ मेरे राजा से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया है कि इसमें एक सीन था जहां हमें रस्सी वाली कुर्सी पर जाना था। सीक्वेंस ऐसा था कि वह पहले ही बैठे हैं और मुझे दूसरी कुर्सी पर बैठना है, लेकिन मैं इसको मिस कर देती हूँ, इसीलिए वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। असल जिंदगी में भी और फिल्म भी मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। शॉट के बीच में बिजली कट गई थी, इसलिए मैं वहां फंस गई और रस्सी वाली कुर्सी पर उनकी गोंद में बैठी रही। आगे इसी के बारे में बताते हुए हेमा ने कहा कि तो शॉट शुरू हुआ और रस्सी की कुर्सी चल रही थी, लेकिन ठीक बीच में वो रुक गई, बिजली चली गई थी। मैंने कहा, देव साहब, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। मैं अपना पूरा वजन उनकी गोद पर नहीं डालना चाहती थी। ये बहुत असुविधाजनक था। बता दें कि हेमा मालिनी को देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम से ही बॉलीवुड में पहचान मिली थी। इसके अलावा वो मेरे राजा सॉन्ग भी उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के बाद भी हेमा मालिनी ने देवानंद के साथ कई और हिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म शिमला मिर्ची 2020 में नजर आई थी। हेमा मालिनी जल्द ही कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।